Sir, from Vekanam Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of the class 10th subject science. Now start the concept. प्रवर्तन के नियम निम्नलिखित हैं. आज हम क्या करेंगे? प्रवर्तन के नियम डिस्कशन करेंगे. ओके, चलो. फर्स्ट है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पर होता है. आपको पता है आपतित किरण वो किरण होती है जो रिफ्लेक्टेड सरफेस पर टकराती है, जो दर्पण पर आकर टकराती है. ठीक है, बट इसके अंदर जो हमारी वो दर्पण पर टकराएगी नहीं, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी. तो आप इसके अंदर आपकी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब हैं जो सभी एक ही तल पर होते हैं. कहने का मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होंगे. नेक्स्ट है प्रकाश, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के साथ आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होगा. इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी बोल देंगे. ओके, उन्होंने बोला है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो एक कॉन्स्टेंट होगा, एक फिक्स वैल्यू होगी. ओके, अनुपात स्थिर होगा. तो उस जो वैल्यू स्थिर होगी उसको स्थिरांक बोला जाता है. इस जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो स्थिरांक के बराबर होगा. इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. आइए अपवर्तनांक के बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करें. ओके, जो ये जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है बाय में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, एक स्थिरांक के बराबर होगा, एक फिक्स वैल्यू होगी, कॉन्स्टेंट होगा. ओके, तो इसी को स्थिरांक भी बोला जाता है या अपवर्तनांक भी कहते हैं. ओके, तो चलो अब हम अपवर्तनांक के बारे में पढ़ते हैं. नेक्स्ट अपवर्तनांक, आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है. किन्हीं दिए गए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाली दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो समीकरण में दाएं पक्ष में प्रकट होने वाला स्थिरांक है. अपवर्तनांक को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के अपेक्षित चाल से संबंध किया जाता है. यह देखा गया कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश अलग अलग चालों से संचरित होता है. ओके, आपको पता है वैक्यूम में जो प्रकाश होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है. ओके, निर्वात के अंदर जो प्रकाश की जो चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है. जो प्रकाश की चाल के किसी भी माध्यम से हो सकने वाली द्युतरम चाल है, सबसे ज़्यादा चाल है. वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी ही कम होती है. कांच तथा पानी में यथेष्ट रूप से घट जाती है. दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे दिया गया है. दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण पर विचार करें जो माध्यम एक से माध्यम दो में प्रवेश कर रही है. मान लीजिए प्रकाश की चाल माध्यम एक में V है तो दूसरे में V2 है. तो माध्यम दो का जो माध्यम वन के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा वो माध्यम वन में प्रकाश की चाल बाय में माध्यम टू में प्रकाश की चाल के अनुपात के द्वारा व्यक्त किया जाएगा. ओके, तो ये आपको पता चल जाएगा. उन्होंने बोला है जो अपवर्तनांक आप मेजर करोगे टू वन के माध्यम से दो में प्रवेश करिए ना, तो उसका जो प्रकाश की जो चाल है वो क्या होगी, फर्स्ट माध्यम में बाय में सेकेंड माध्यम में. ओके, तो ये हम फार्मूला यहाँ पे बना लेंगे N21=V1/V2. अब अगर यही चाल, अगर इसी तर्क से माध्यम वन का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक N12 से, अगर जो लाइट है वन से टू में जा रही थी अब टू से वन में जा रही है, तो N12 से मेजर करेंगे तो माध्यम टू में प्रकाश की चाल बाय में माध्यम वन में प्रकाश की चाल हो जाएगी. ओके, यदि माध्यम वन निर्वात या वायु है तथा माध्यम दो का अपवर्तनांक निर्वात के अपेक्ष सापेक्ष माना जाता है, इस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होगा वो NM से रिप्रेजेंट करेगा, वो C बाय में V होगा. वायु में प्रकाश की चाल बाय में माध्यम में प्रकाश की चाल. ओके, तो यह सारा आप अंडरस्टैंड कर लोगे. माध्यम
का निरपेक्ष अपवर्तनांक अपवर्तनांक कहलाता है। सारणी 10 पॉइंट में अनेक माध्यम के अपवर्तनांक दिए गए हैं। सारणी से आपको ये ज्ञात होगा कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है। जल का कहने का मतलब जो वायु है ना, निर्वात है उसका 1 होता है, तो 1 की अपेक्षा में जो वायु है उसका थोड़ा सा ज्यादा 1.11 है। ओके, ये एक टेबल देगी है, इसके अंदर वायु का, सभी का, ओके, बर्फ का दे रखा है, जल का 1.33 होता है, कि मतलब वायु के अपेक्षा वो कितना ज्यादा सघन होता जाता है माध्यम, वो उसका अपवर्तनांक बताता है कि वो लाइट को कितनी बेंड करेगा। ओके, तो ये आप आसानी से कर सकते हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये आप सारा समझ जाओगे कि कैसे ये आपने अंडरस्टैंड करना। ओके, तो नेक्स्ट हम कल डिस्कशन करेंगे गोलिया लेंसों द्वारा अपवर्तन। ओके, गोलिया लेंस जो होते हैं, लेंस कैसे अपवर्तन करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।